हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर राधिका केरकर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ और मैं चाइल्ड साइकेट्री की भी प्रैक्टिस करती हूँ। तो इस वीडियो में हम बच्चों के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले एक वीडियो में हमने देखा था कि बच्चों की तारीफ करना कितना ज़रूरी है और बच्चों को प्रेज करना कैसे काम में आता है, कैसे उनका बिहेवियर चेंज होता है उसकी वजह से, ये हमने उस वीडियो में देखा था। पर कुछ लोगों का सवाल होता है कि प्रेस कैसे करना है। लोगों को ये पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली प्रेस करना यानी कि क्या करना, तारीफ करना यानी कि कैसे करना। तो इसके बारे में मैंने ये वीडियो बनाया है कि अगर आपको बच्चे की तारीफ करनी है, उसको शाबाशी देनी है, तो आप कैसे देने आपने वो कैसी देनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट नंबर वन कि आप केयरफुली सिलेक्ट करिए। जो भी आप सिचुएशन सिलेक्ट कर रहे हैं जिसमें आपको तारीफ करनी है बच्चे की, तो आप केयरफुली सिलेक्ट करिए, स्पेसिफिक सिलेक्ट करिए। यानी कि ध्यान में रखिए, अगर आप वो प्रेस कर रहे हैं तो वो बिहेवियर बढ़ने वाला है। तो आप सिलेक्ट करिए जो बहुत आपको ज़रूरी लगते हैं जो बिहेवियर्स, और जेन्युइनली सिलेक्ट करिए। यानी कि ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही कुछ रैंडमली वो बातें कर रहा है या फिर चीज़ें कर रहा है उसके लिए आप सिलेक्ट सिर्फ तारीफ करनी है करके आप तारीफ कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। कॉन्शियसली वो बातें सिलेक्ट करनी है कि ये मुझे मेरे बच्चे में बहुत अच्छा लगा है, तो ये मुझे लगता है कि उसने वापस ऐसा बिहेव करना चाहिए, तो मैं इसके लिए उसको प्रेस करूँगा। तो उसको केयरफुली सिलेक्ट करिए, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, ट्राई नॉट टू बी डिसमिसिव ऑफ देयर एफर्ट्स। यानी कि प्रेस करते करते ऐसा आपको नहीं कहना है कि हाँ ये तो वैसे बहुत सिंपल था या फिर ये तो करना ही चाहिए था आपने और आपने किया है तो वेरी गुड। मतलब जो उनको महसूस करा सकती है कि अच्छा ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे अवॉइड करें कि जो भी आप कर जो भी जिस चीज़ के लिए भी आप उनको तारीफ कर रहे हैं या प्रेस कर रहे हैं, तो वो बहुत ही अच्छा किया है उन्होंने, जेन्युइनली आप बता रहे हैं उनको, तो वो अच्छा रहेगा। ट्राई नॉट टू बी डिसमिसिव। पॉइंट नंबर थ्री, बी स्पेसिफिक। यानी कि और आप जितना उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं उतना आप करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कभी आप बाहर गए हैं और आपके अगर रिलेटिव्स के साथ आपके बच्चे ने काफ़ी अच्छी बातें करी या फिर उनके साथ काफ़ी अच्छे से जुड़ गए, समझो फॉर एग्जाम्पल, और आपको वो बात अच्छी लगी कि आज उन्होंने काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन किया, तो इसके बारे में आप उनको प्रेस करते वक्त आप बता सकते हैं कि आज आपने उनके साथ ये बातें की तो मुझे अच्छा लगा सुन के। मतलब आप एक बहुत ही समझदार व्यक्ति बन रहे हो और आपकी समझ बढ़ रही है, यू आर बिकमिंग वेरी अंडरस्टैंडिंग। तो ट्राई टू यूज एडजेक्टिव्स, दैट इज पॉइंट नंबर फोर। जो भी आप प्रेस कर रहे हैं उसके बारे में आप उनको एडजेक्टिव्स बता सकते हैं कि यानी कि वो अगर उन्होंने पोलाइटली बात की तो वो आपको अच्छी लगी, तो आप उनको बता सकते हैं आप इतने नम्रता से बात की आपने, या फिर आप यू आर वेरी पोलाइट, सो यू कैन कॉल, यू कैन नेम, यू कैन यूज दीज टर्म्स फॉर हिम कि आप पोलाइट बन गए हैं, आप करेजियस बन गए हैं, आप बोल्ड बन गए हैं, आप परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आपके बच्चे ने कहीं पे परफॉर्म किया, कुछ गाना गाया या फिर जो भी परफॉर्मेंस दी, तो उसके बाद उनकी अगर आपको प्रेस करनी है तो यू कैन यूज एडजेक्टिव्स दैट यू हैव बिकम रियली बोल्ड, यू आर बिकमिंग रियली करेजियस एंड सच अ नाइस स्पीकर, या जो भी आपको बोलना है, तो आप उनको एडजेक्टिव्स लगाएंगे तो उनको एक अंडरस्टैंडिंग होगा कि एग्जैक्टली फॉर व्हाट माय पेरेंट्स आर प्रेजिंग मी। तो ये आपको बेहतर कम्युनिकेट करने में हेल्प करेगा। ये जो टेक्निक्स है वो आपको बेहतर, आपके जो इमोशंस है, आपको जो लग रहा है, वो बेहतर कम्युनिकेट होगा आपके बच्चों के लिए, बच्चों के पास, और इससे वो बिहेवियर एक मतलब बढ़ते ही जाएगा ऑब्वियसली। तो ये आप टेक्निक्स यूज़ करिए और मुझे उम्मीद है एंड आई रियली होप दैट योर चिल्ड्रन ऑल्सो लाइक इट। सो थैंक यू।